हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल विद अनुलेखा। आज हम बनाएंगे फूले फूले और टेस्टी टेस्टी भटूरे। तो चलते हैं हम अपने किचन की ओर। दोस्तों, मैं आ गई हूँ अब अपने किचन में। अब मैं आपको भटूरे का डो तैयार करने का तरीका बता रही हूँ। मैं यहाँ पर मैदा और आटा, गेहूं का आटा है ये, इनको मैं दोनों को यूज़ करूंगी, क्योंकि प्योर मैदा भी माने अपने डाइजेशन के लिए ठीक नहीं है। तो मेरे घर में तो माने प्योर मैदा पसंद नहीं करते हैं। अगर आपके घर में आपको प्योर मैदे का बनाना है तो आप सिर्फ ओनली मैदा यूज़ करिए, आपको माने आटा यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ मैंने डाल दिया मैदा और यहाँ मैंने एक कटोरी मैंने मिक्स कर दिया है फ्रेंड्स। अब ये ऑयल है जो मोयन के लिए है। उसके बाद मैं डालूंगी इसमें 2 बड़े चम्मच कर्ड मीन्स दही, जिससे कि इस भटूरे में बहुत ही अच्छा सा खट्टापन आएगा। तो ये मैंने 2 चम्मच दही मिला दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा नमक, ये मैंने नमक ऐड कर लिया है। ओके दोस्तों, अब मैं इसे अच्छे से अपने हाथों से मिला लूँगी। ये मैंने मिला लिया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डाल के इसे इसका डो तैयार कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा डो तैयार हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी। ऑयल लगा के उसे इसे एक प्लेट में मैं ढककर साइड में 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। तो आप, ये मेरा डो तैयार हो गया 1 घंटे के लिए, जिसे मैंने छोड़ दिया था। अब मैंने इसे बेलने के लिए मैदे की यूज़ किया है, सूखा मैदा। आप आटा भी ले सकते हो, आप ऑयल भी ले सकते हो। अपने भटूरे को मैं आप यहाँ पर लूँगी। आप इतनी बड़ी बड़ी आपके अकॉर्डिंग कि आपको कितना बड़ा बनाना है। तो मैंने ये इतना साइज़ लिया है, आप इतना साइज़ लीजिए। तो ऐसे करके मैं अपने पूरे गोले तैयार कर लूँगी, लोई, जिसे हम लोई बोलते हैं। ये देखिए, इतने बड़े बड़े लेना है मुझे। तो ये मैंने बेलना स्टार्ट किया। नहीं, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरा तेल हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने भटूरे डाल दिया। अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा चलाते रहूँगी। ये देखिए, मेरे भटूरे फूलना स्टार्ट हो गए हैं। ये देखिए फ्रेंड, जब तक मैं दूसरा भटूरा तैयार कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा भटूरा हो गया। इसी तरह हम पूरे भटूरे को निकाल लेंगे 1 बाय 1। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ये भटूरे होते जा रहे हैं। इसी तरह हम पूरे भटूरे को 1 बाय 1 निकाल लेंगे। इसी तरह ये फूले फूले बनेंगे, बहुत टेस्टी बनेंगे। इसी तरह आप पूरे भटूरे को निकालिए।